हमारा टॉपिक है बायो मैकेनिक्स ऑफ लंबर स्पाइन। हम लंबर स्पाइन को जो है वो अच्छे से स्टडी करेंगे। इस पर देखेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, कौन कौन से मसल्स अटैच हैं, कौन से लिगामेंट्स यहाँ से पास कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो मोशन सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मोशन सेगमेंट जो है वो स्पाइन का फंक्शनल यूनिट होता है। मोशन स्पाइन हम दरअसल ऐसे पार्ट्स को कहते हैं कि दो वर्टिब्रा ऊपर और नीचे एडजेसेंट वर्टिब्राज हों और बीच में जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली हम जो है कहते हैं मोशन सेगमेंट। इस मोशन सेगमेंट को हम जो है वो फिर अपने मतलब ध्यान में रखते हुए समझते हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट होंगी, किस तरह ये स्लाइड करेगा, ग्लाइड करेगा। तो हमने जो है वो स्पाइन को स्टडी करने के लिए एक उसका सेगमेंट ले लिया, उसको हमने नाम दे दिया मोशन सेगमेंट का। अब जो मोशन सेगमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियरली जो आएंगी चीज़ें वो है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, फिर जो है वो ये दो वर्टिब्रास की बॉडी और बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये तीनों चीज़ें कंपोनेंट्स बनाएंगी एंटीरियर पोर्शन ऑफ मोशन सेगमेंट। यहाँ जो हमारे पास वर्टिब्रा की बॉडी है वो पोस्टीरियरली थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि उसने वेट बेयर करना होता है। लंबर रीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है बॉडी, ताकि उसने बहुत ज़्यादा वेट बेयर करना होता है बनिस्बत थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन के। अब अगर हम पोस्टीरियरली स्टडी करें तो मोशन सेगमेंट का पोस्टीरियरली जो चीज़ें बना रही होती हैं वो होती हैं वर्टिब्रल आर्चेस, इंटरवर्टिब्रल फॉरमेन यानी जो फेसेट जॉइंट के आगे वर्टिब्रल बॉडीज़ और फेसेट जॉइंट के दरमियान में फॉरमेन बन रहा होता है उसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फॉरमेन, और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बन रहे होते हैं यहाँ जिनको हम फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, और जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं और पीछे जो है वो स्पाइनस प्रोसेस निकल रहे होते हैं। ये डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मोशन सेगमेंट के, और डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं जैसे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ये सारे जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मोशन सेगमेंट के प्रेजेंट होते हैं। ये जो फेसेट जॉइंट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पाइन के जो है वो किस तरह की मूवमेंट होगी, मतलब फेसेट की जो ओरिएंटेशन है, उसका जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्स और फ्रंटल प्लेन के साथ, वो डिसाइड करेगा कि किसी भी स्पाइन के सेगमेंट पे कितनी मूवमेंट पॉसिबल है। अगर हम सर्वाइकल फेसेट्स की बात कर लें, ये जो यहाँ फेसेट्स होते हैं इनकी ओरिएंटेशन और ये किस तरह जॉइंट बना रहे हैं उसकी बात करें, तो सर्वाइकल रीजन में जो है वो फेसेट जॉइंट पैरेलल होता है ट्रांसवर्स एक्सिस से, जबकि 45 डिग्री एंगल बना रहा होता है फ्रंटल प्लेन से। तो इसकी वजह से जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन जो है वो पॉसिबल होती है सर्वाइकल रीजन में। थोरेसिक फेसेट्स यानी जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं उनके जो फेसेट जॉइंट है वो 60 एंगल बनाते हैं ट्रांसवर्स प्लेन के साथ और 20 एंगल बनाते हैं फ्रंटल प्लेन के साथ। तो इनकी जो प्लेन की अलाइनमेंट है वो अलाउ करती है लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन को, और थोड़ी सी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। जो लंबर फेसेस होते हैं उनमें जो है वो 90 डिग्री होते हैं ट्रांसवर्स प्लेन के साथ वो एंगल बना रहे होते हैं, और 45 डिग्री होते हैं फ्रंटल प्लेन के साथ, जिसकी वजह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल फ्लेक्शन होती है और ना होने के बराबर रोटेशन होती है। जो लंबो सेक्रल फेसेस होते हैं यानी लंबो सेक्रल जो जॉइंट होते हैं वहाँ जो फेसेट जॉइंट मौजूद है उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो थोड़ी ऑब्लीगली होती है, जिसकी वजह से रोटेशन जो है वो वहाँ पे पॉसिबल होती है। अब हम काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। लंबर स्पाइन की एक्टिव मोशन ऑफ स्पाइन एट एनी जॉइंट इज़ प्रोड्यूस्ड। किसी भी स्पाइन के पार्ट पे जो एक्टिव मूवमेंट होगी वो तब होगी जब जो है वो कोऑर्डिनेशन होगी नर्व्स की, मसल्स की आपस में, तब जो है वो एक एक्यूरेट मूवमेंट होगी। अगर हम रेंज ऑफ मोशन डिस्कस करें तो रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट सेगमेंट्स पे डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट जॉइंट के, उस जगह के फेसेट जॉइंट कैसे हैं उसी के बिना पे जो है वो हम बताएंगे कि मूवमेंट ज़्यादा होगी कि कम होगी। जो मूवमेंट होती है स्पाइन की वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्टिब्रा इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा हो। अगर मूव करती है तो पूरी स्पाइन मूव करती है। कुछ जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रिब्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं वो रोकते हैं रोटेशन को। रिब्स भी जो है वो यही करती हैं, जब मूवमेंट हो रही होती है थोरेसिक जॉइंट पे तो वो उसको क्या करती है, रिजिस्ट करती है, रोकती है।
जो मूवमेंट्स होती हैं स्पाइन की वो ऑल थ्री प्लेन्स में होती है, फ्रंटल में भी, ट्रांसवर्स में भी और सजाइटल में भी। अगर हम जो है वो देखेंगे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, ये सारी मूवमेंट्स होती हैं लंबर स्पाइन पे। अगर इन ये सारी मूवमेंट एक साथ हो रही होंगी तो हम इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स कम्बाइंड मोशन। अगर काइनेटिक्स यानी फोर्स या लोड्स को स्टडी करें जो कि स्पाइन पे आ रहे हैं, तो लोड जो होता है स्पाइन पे जो कि आ रहा होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे, यानी बॉडी वेट कितना है। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उतना ज़्यादा स्पाइन पे लोड आ रहा होगा, मसल एक्टिविटी, मसल का जो पुल होता है, जो लिगामेंट्स पुल कर रहे होते हैं, लिगामेंट्स का स्ट्रेस, और अगर कोई बाहर से लोड अप्लाई हुआ है या स्ट्रेस अप्लाई हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पाइन के ऊपर लोड डालती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लोडिंग को, कि मतलब कितनी स्पाइन के ऊपर जो है वो लोड आएगा। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि लोड है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठा रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो बॉडी से दूर है तो हमारा मोमेंट आर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पाइन पर लोड भी ज़्यादा आएगा। शेप क्या है, साइज़ क्या है और वेट क्या है, डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, ये भी डिपेंड करती है कि स्पाइन पे लोड कितना आएगा। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा स्पाइन पे लोड आएगा, वज़न आएगा। रेट ऑफ लोडिंग, यानी कि अगर हम बार बार कोई एक ही चीज़ उठा रहे हैं तो जो स्पाइन पे लोड है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। जब हम पहले उठाएंगे तो लोड बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर अगर हम बार बार वो रिपीटिशन करेंगे, उसको बार बार उठाएंगे, तो हम जो है वो थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे, फिर स्पाइन पे इतना लोड नहीं पड़ेगा जितना पहली बार उठाने में लगेगा। हमारा जो नर्वस है, नर्वस सिस्टम, वो उसको जो है वो कैपेबिलिटी उसमें हो जाएगी कि वो बार बार एक चीज़ को करे तो फिर वो ईजिली उस टास्क को करेगा। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और रोटेशन ऑफ द स्पाइन, यानी अगर स्पाइन फ्लेक्स्ड है, हमारी ये रोटेशन में है, तब अगर हम कोई लोड उठाएंगे तो लोड जो है वो ज़्यादा लगेगा। यानी कि हमारी जो है वो पोजीशन क्या है, जब हम लोड उठा रहे हैं, अगर हम फ्लेक्शन में है या स्टूप या स्क्वाट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वेट जो है वो डिफरेंट लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पोजीशंस में जो है वो स्पाइन पे कितना लोड आ रहा होता है, यानी अगर हम पोजीशंस अपनी चेंज करें तो हमारी जो स्पाइन है उस पे कितना लोड आएगा। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो लंबर थ्री और लंबर फोर जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर इतना लोड आ रहा होगा जो कि हमारी बॉडी वेट के डबल होगा, यानी हमारी बॉडी वेट के डबल जो है वो L2 L3 के ऊपर वेट अप्लाई हो रहा होता है, लोड आ रहा होता है जब जो है हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में और ट्रंक फ्लेक्शन में हो, यानी अगर हम खड़े हुए हों और आगे की तरफ झुके हुए होंगे, तो जो लोड है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। जो एन्यूलस फिब्रोसिस होगा हमारी स्पाइन का, वो एंटीरियरली बल्ज करेगा, और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है उसके अंदर वो पोस्टीरियरली जाएगा। पोस्टीरियो लेटरल साइड पर जो है वो एन्यूलस फिब्रोसिस के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम जो है वो अब सिटिंग में हैं, लेकिन अनसपोर्टेड सिटिंग है, हम सिर्फ सीधे बैठे हुए हैं, हमने कोई भी सपोर्ट नहीं लिया हुआ, तब जो है वो वेट ऑफ अपर बॉडी जो है वो सपोर्टेड होगा, क्योंकि इसलिए जो लोड होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, मसल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग। अब अगर हम जो है वो सिटिंग में और सपोर्टेड है, यानी हमारी जो लंबर है वो इस तरह से जो है वो सपोर्टेड है, पीछे को हमने जो है वो सपोर्ट ली हुई है, लंबर हमारी जो है वो सपोर्ट में होगी, लंबर सपोर्ट होगी, तो फिर क्या होगा, जो लोड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम ऐसी सिटिंग पोजीशन में है कि हमारी ट्रंक फ्लेक्शन में, यानी कि हम जो है वो आगे झुके हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि जो है वो हमारी जो लंबर स्पाइन है वो लोडोसिस में आ जाएगी, यानी जो लंबर स्पाइन का कर्व है वो मज़ीद जो है वो पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लोड इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम सुपाइन पोजीशन में, यानी अगर हम बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं, तो जो लोड होगा बॉडी का वो कम होगा, लेकिन फिर भी जो है वो सॉस मेजर वो एक पुल अप्लाई कर रहा होगा लंबर स्पाइन पर, क्योंकि जब हम बिल्कुल सीधे लेटे हुए होते हैं तो जो सॉस मेजर होते हैं वो जो है वो लंबर स्पाइन के ऊपर जो है वो स्ट्रेच प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब दूसरी मूवमेंट है साइड लाइन, दूसरी पोजीशन है। अगर हम साइड लाइन में होंगे, यानी हमारी जो नीज़ होंगी और हिप्स, जो हिप्स होंगे वो बेंट होंगे और सपोर्टेड होंगे, तो फिर क्या होगा कि जो सॉस मेजर का जो पुल है वो नहीं लग रहा होगा, सॉस मेजर रिलैक्स होगा, लंबर लोडोसिस स्ट्रेटन हो जाएगा, जिसकी वजह से लोड डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर हमने जो है वो फॉरवर्ड लिफ्टिंग किया हुआ है, यानी फॉरवर्ड पोजीशन में हमने कोई लोड को लिफ्ट किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोड लग रहा होगा। एक तो वेट हमने उठाया हुआ है इसलिए भी, और दूसरा हमने फॉरवर्ड टिल्ट की हुई है, फ्लेक्शन किया हुआ है, इसकी वजह से भी हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा वेट आ रहा होगा। अब अगर हम लोड उठा रहे हैं और
स्क्वाट या स्टूप पोजीशन में है, तो स्टूप पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें मसल के जो पुल होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वाट। ये जो है वो चार्ट यही शो कर रहा है कि अगर हम जो है वो साइड लाइन में तो बिल्कुल भी स्पाइन पे वेट नहीं आ रहा होगा, अगर हम जो है वो सुपाइन में तो थोड़ा सा वेट आ रहा होगा सॉस मेजर की वजह से, अगर हम खड़े हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा होगा खड़े में, और आगे बेंट किए हुए तो सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए तो कम है, स्ट्रेट और बैठे हुए और आगे को मूव किए हुए तो फिर ज़्यादा होगा, और अगर हमने जो है वो बैठे हुए और लंबर सपोर्ट है तो कम हो जाएगा, और अगर वेट उठाए हुए तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और स्क्वाट या स्टूप पोजीशन में तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ है। अब जो लोड की लिफ्टिंग होती है वो भी दो तरह से होती है, एक होती है स्टैटिक यानी हमने कोई लोड उठाया हुआ और हम सिर्फ खड़े हुए हैं, और दूसरी होती है डायनेमिक लिफ्टिंग यानी हम लोड उठा के मूव कर रहे हैं। तो जितनी स्पीड बढ़ती रहेगी उतनी ही जो स्पाइन के ऊपर लोड आ रहा होगा, वेट आ रहा होगा, वो भी बढ़ता जाएगा।